अभी तक वन पीस के वर्ल्ड के अंदर गॉड वैली इंसिडेंट को काफी ज्यादा हाईलाइटेड करके दिखाया जाता है, क्योंकि उस टाइम गॉड वैली के ऊपर ऐसी ऐसी चीजें हुई थी जिसने पूरे के पूरे वर्ल्ड गवर्नमेंट को हिला के रख दिया था। और लगता है कि इस बार आने वाले चैप्टर के अंदर हमको गॉड वैली इंसिडेंट के बारे में बहुत कुछ चीजें पता चलने वाली है। वन पीस के चैप्टर 1096 के अंदर हमको काइडो और कुमा को अपना डेविड फ्रूट कैसे मिला और साथ साथ कुमा और युवांको ने गॉड वैली से कैसे एस्केप करा, ये सारी चीजें पता चली है। तो चलो बिना कोई टाइम गवाए चलते सीधा अपने स्पॉइलर की तरफ। चैप्टर की शुरुआत में हमको पता चलता है कि गॉड वैली के ऊपर फिर से एक बार स्लेव हंटिंग टूर्नामेंट हो रहा है और जो भी उस वाले टूर्नामेंट को जीतेगा उनको सीधा काइडो का डेविल फ्रूट और कुमा का भी डेविल फ्रूट प्राइज में मिलने वाला था। तो वही पर ही कुमा और योन को प्लान करते हैं कि वो कुछ भी करके एक एक डेविल फ्रूट चुराएंगे और गॉड वैली से एस्केप कर लेंगे। लेकिन वहां पर उनके प्लान्स को खराब करने के लिए पूरा का पूरा रॉक्स पायरेट का क्रू आ जाता है, जिसके अंदर बस एक ही बंदा मिसिंग था जो कि था अपना रॉक्स ट्रीजी बैग। बाकी सारे के सारे मेंबर्स वहां पर आ चुके थे, वहां पर काइडो भी था, बिग मॉम भी थी और साथ ही साथ अपना गोल्डी रॉजर भी था। लेकिन यहाँ पर हमें और एक रॉक्स पायरेट के मेंबर के बारे में पता चला जो कि अमेज़न लिली से था। हाँ, वही ओल्ड लेडी जिसने लुफी को बताया था कि ये सभी मरने वाला है। उस साइड कुमा और युवांको का प्लान चल रहा था कि वो कैसे भी करके प्राइस के अंदर जो डेविल फ्रूट रखे उनको चोरी कर ले। वहां पर कुमा और युवांको सक्सेस भी हो जाते हैं डेविल फ्रूट को चुराने के लिए। लेकिन वहां पर युवांको जैसे ही अपना डेविल फ्रूट लेके भाग रही होती है उसके सामने बिग मॉम आ जाती है और काइडो का डेविल फ्रूट उससे छीन लेती है। लेकिन दूसरी साइड कुमा वहां पर अपने डेविल फ्रूट को जैसे तैसे करके खा लेता है। तो यहाँ पर बातें भी सेंस बनाती है कि बिग मॉम ने काइडो को डेविल फ्रूट कैसे दिया था। यहाँ पर इस टाइम गॉड वैली के ऊपर इतने सारे लोग थे जहाँ पर अपना गॉड वैली का हीरो गार्प भी था, रॉजर पायरेट्स भी थे जहाँ पर अपना गोल्डी रॉजर अपने स्ट्रॉ हैट लेके आया हुआ था। लेकिन इस वाले चैप्टर की मेरे को एक बात बुरी लगी कि इसके अंदर हमको पूरा का पूरा गॉड वैली इंसिडेंट दिखाया नहीं गया। बस लास्ट में हमको दिखाया गया है कि युवांको और कुमा ने सक्सेसफुली गॉड वैली को एस्केप कर लिया है। शायद से स्पॉयलर्स के अंदर हमको इतनी सारी चीजें दिखाई नहीं गई है। अभी तो सीधा चैप्टर के आने का वेट ही करना पड़ेगा कि 1096 के अंदर हमको क्या क्या चीजें देखने को मिली है। लेकिन यहाँ पर शायद से हमको फाइटिंग पैनल्स तो देखने को मिलने वाले हैं कि कुमा ने कैसे एस्केप करा, बिग मॉम ने कैसे भाई युवांको से काइडो का डेविल फ्रूट चोरी करा और भी बहुत सारी चीजें। तो चलो फिलहाल तो वेट ही करना पड़ेगा चैप्टर 1096 का। तो चलो गाइस आज के स्पॉयलर्स के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।